हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्ड एकेडमी। तो बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, पर हर किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता। किसी का ये रीजन होता है ना मिलने का कि इनकम प्रूफ नहीं है, तो किसी का ये रीजन होता है कि उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। अभी कुछ टाइम से स्लाइस एंड यूनी जैसे कार्ड्स काफी इजीली मिल रहे थे, इवन स्टूडेंट्स को भी, लेकिन RBI ने प्रीपेड कार्ड्स पर क्रेडिट लाइन के यूज पर बैन लगा दी है। तो ऐसे लोग फिर भी क्रेडिट कार्ड्स कैसे ले सकते हैं? वो ऐसे ले सकते हैं कि बैंक्स फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड्स इशू कर देते हैं। आज हम आपको ऐसे दो कार्ड्स बताएंगे जो कि स्पेसिफिकली फिक्स डिपॉजिट्स के अगेंस्ट ही इशू होते हैं। तो पहला कार्ड जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बैंक ऑफ बड़ौदा प्राइम कार्ड। इस कार्ड का 100% अप्रूवल है अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट। आपको 15,000 की FD करवानी है, और अगर आपको ज्यादा क्रेडिट लिमिट चाहिए तो आपको 15,000 से ऊपर की FD करवानी पड़ेगी। अच्छी बात ये है कि ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। बाकी इस कार्ड में ऐसा कुछ खास फीचर्स तो नहीं है, एंड आपको अराउंड 0.25% तक का रिटर्न मिलता है थ्रू रिवॉर्ड पॉइंट्स, एंड कोई ऐसे नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स भी नहीं है। इस कार्ड की मेन USP ही यही है कि ये आपको इजीली FD के अगेंस्ट मिल जाता है। तो अगर किसी को कोई और क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है और क्रेडिट स्कोर बनाना है तो इस कार्ड को कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हम दूसरे कार्ड की बात करेंगे, एंड वो है यस प्रॉस्पेरिटी रिवॉर्ड्स प्लस कार्ड। ये कार्ड आपको मिनिमम 30,000 के फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट मिल जाता है। अनलाइक बैंक ऑफ बड़ौदा प्राइम क्रेडिट कार्ड, ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड नहीं है। इस कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी है ₹399 प्लस टैक्सेस, और अगर आप कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर ₹5,000 का खर्चा कर देते हो तो आपकी ज्वाइनिंग फी रिवर्स हो जाती है, एंड अगर आपने पिछले साल का खर्चा 50,000 या उससे ऊपर का है तो आपकी एनुअल रिन्यूअल फी 100% वेव ऑफ हो जाती है। पिछले कार्ड की तरह इस कार्ड पर भी आपको किसी भी तरीके के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। अगर इस कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो डाइनिंग एंड ट्रैवल पर आपके हर ₹200 के खर्च पर आपको 8 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ग्रोसरी, यूटिलिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा पर आपको हर ₹200 के खर्च पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और बाकी रिटेल ट्रांजैक्शंस पर हर ₹200 के खर्च पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। कैश विड्रॉल, फ्यूल ट्रांजैक्शन, वॉलेट लोड, EMI ट्रांजैक्शन पर आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आप प्रोडक्ट कैटलॉग एंड ई वाउचर्स के लिए यूज कर सकते हैं, और आपको एक पॉइंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 पैसा मिलती है। तो आप अराउंड 0.2 से 0.25% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कार्ड से। अगेन हम यही रिपीट करेंगे कि आप ये कार्ड तभी कंसिडर करें अगर आपको कोई और कार्ड ना मिल रहा हो तो। और दोनों कार्ड्स के कंपैरिजन में हमें बैंक ऑफ बड़ौदा प्राइम कार्ड ज्यादा बेटर लगा। एक तो वो बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस आपको कम अमाउंट के FD में मिल जाता है वो कार्ड, एंड उसकी कोई ज्वाइनिंग फी भी नहीं है, इट्स लाइफ टाइम फ्री। अब ये सब चीज़ों के बाद दिमाग में एक सवाल उठता है कि क्या सिर्फ यही दो कार्ड्स हैं जो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट मिलते हैं? तो द आंसर इज नो। ये दोनों कार्ड्स तो श्योर शॉट हर किसी को मिल जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सभी लीडिंग बैंक्स जैसे एक्सिस बैंक, ICICI, SBI, HDFC, कोटक महिंद्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा FD के अगेंस्ट कार्ड इशू कर देते हैं। इवन बैंक्स अच्छे कार्ड्स भी FD के अगेंस्ट इशू कर देते हैं, पर उसके लिए आपको थोड़े बड़े अमाउंट की FD करवानी पड़ सकती है, और इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका उस बैंक और ब्रांच में कैसा रिलेशन है। हमारे ओपिनियन में अगर किसी का इनकम प्रूफ नहीं है, वो चाहे स्टूडेंट्स ही हो, उन्हें एक बार अपने बैंक में जाकर बात करनी चाहिए कि क्या उनका बैंक FD के अगेंस्ट कार्ड इशू कर सकता है उन्हें कि नहीं। अगर नहीं भी दे रहा है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा प्राइम कार्ड तो ले ही सकते हैं। तो यहाँ खत्म होती है हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को।